हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आर्ट नेचर एंड लाइफ चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बहुत ही स्पेशल और बहुत ही यूनिक है। देखिए फ्रेंड्स, मेरी रेन लिली बहुत अच्छी ब्लूम कर रही है। बहुत अच्छी बारिश होने के कारण इसमें भरमार लग गई है ब्लूम्स की। ये एलमंडा का एक फ्लावर है, ये भी इसके साथ में ब्लूम हो रहा है। फ्रेंड्स देखिए, आज हम जो जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि हम अपनी रेन लिली को किस तरह से हाइब्रिड बना सकते हैं, किस तरह से हम अपने रेन लिली का कलर चेंज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास में एक से ज़्यादा वैरायटीज़ हों कलर्स की। जैसे कि मेरे पास में येलो और पिंक, ये दो कलर वैरायटीज़ हैं, जो इन दोनों के साथ में मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। आप भी बहुत ईजीली ये कर सकते हैं अपने घर में, पर बस इसके लिए यही शर्त है कि आपके पास में एक से ज़्यादा वैरायटी हो। देखिए फ्रेंड्स, इसमें वाइट कलर की भी कलर्स आते हैं और भी बहुत कलर्स आते हैं। मेरे पास तीन वैरायटी है फिलहाल, दो ब्लूम हो रखी है तो मैं उनके साथ में ये प्रोसेस अपना रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें पिंक कलर और रेड कलर, ये दोनों के दोनों जो फ्लावर हैं इनके मैं पोलेंस को एक्सचेंज करूँगा। फ्रेंड्स, एक्सचेंज इसलिए करूँगा क्योंकि दोनों की दोनों ही प्लांट मेरे सीड पॉट बनाते हैं। नहीं तो इसमें मैं येलो वाले फ्लावर में सीड पॉट बनते हैं तो मैं सिर्फ इसी में, इसके स्टिग्मा में दूसरे फ्लावर के पोलेंस को लगाता। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ये 3 पेटल रेन लिली है, ये 3 पेटल्स हैं और बाकी जो 3 हैं वो बाहर में जो कवर करके रखते हैं पूरे फ्लावर को, वो सेपल्स हैं। ये तो बहुत लोग बाय मिस्टेक से 6 पेटल्स भी कह देते हैं, एक्चुअली में पेटल्स नहीं है वो। और ये साइड में इसके एंथर है जो येलो कलर के पाउडर लिए हुए हैं, पोलेंस लिए हुए हैं, और मिडिल पोर्शन जो है वो स्टिग्मा है। फ्रेंड्स, हमें इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही काम आने वाले हैं, इसके एंथर जो पोलन लिए हुए हैं और इसका स्टिग्मा। हम इन्हीं के पोलेंस को एक दूसरे के स्टिग्मा में एक्सचेंज करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, पिंक वाइट लिली किस तरह से सीड पॉट बनाती है तो मैं इसीलिए एक्सचेंज कर रहा हूँ। नहीं तो और दूसरी वैराइटीज़ में मैप्स में एक तो है रेन लिली की, जो बहुत इसे डबल साइज में होती है, पर वो सीड प्रोड्यूस नहीं करती है। यदि इस समय वो ब्लूम करी होती तो मैं उसके पोलेंस लेके इनके स्टिग्मा में लगाता, ताकि जो सीड प्रोड्यूस होते वो एक दूसरे वैराइटी के कलर बनते। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आप एक ट्वीज़र की मदद से आप ये काम करेंगे तो बहुत ही आपको आसानी रहेगी, क्योंकि हमें इसके जो एंथर है, जो पोलेंस हैं, इसे हटा देना है। क्योंकि फ्रेंड्स, हटाना इसलिए है क्योंकि इसके ही पोलन यदि इसी के स्टिग्मा में गिर जाएंगे तो फिर जो सीड बनेंगे वो सेम वैरायटी के बनेंगे, वो हमें चाहिए नहीं। वो तो नॉर्मल हम यूं ही मिल जाते हैं हमें, ये तो हम क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं, वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में ये प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाए, इसीलिए हमें इसके जो एंथर है इसे बहुत सावधानी से हटा देने हैं। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखिएगा, इसके एंथर हटाने के समय भी इसके पोलेंस इसके स्टिग्मा में नहीं गिरे, क्योंकि उसका स्टिग्मा एकदम अलग रहना चाहिए। कि उसके स्टिग्मा में हम दूसरे वैरायटी के ही पोलन को लगाएंगे, वहीं पर रब करेंगे, तो उससे जो सीड प्रोड्यूस होंगे वो डिफरेंट वैरायटी के रहेंगे। तो मैं इसके अंदर में इसके धीरे धीरे करके सारे के सारे एंथर को हटा देता हूँ। और फ्रेंड्स, आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप हाथ से नहीं, किसी ट्वीज़र के मदद से करें, ताकि ये ट्वीज़र मतलब कि कोई चिमटी या कोई प्लकर हो, क्योंकि ये बहुत ही सावधानी से करेंगे तो ही ये सक्सेस हो पाएगा। मैं धीरे धीरे बहुत जेंटली इसके सारे के सारे एंथर हटा के सेपरेट रख दे रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हम जब भी ये क्रॉस पॉलिनेशन का प्रोसेस करते हैं तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा सेम फैमिली वाले फ्लावर्स में ही करना है आपको। आप यदि किसी दूसरे वैरायटी के फ्लावर लेकर आ जाएंगे और उसके पोलन लेके आप रेन लिली में या किसी दूसरे फैमिली वाले फ्लावर में रब करेंगे तो उसे सक्सेस नहीं होने वाला है। ये देखिए इसके पोलन जो पाउडर हैं। और एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आप येलो कलर की वैरायटी के जो पोलन हटाए हैं, अब जब मैं इस ट्वीज़र को पिंक वाले में टच करूँगा उसके पोलन हटाने के लिए, उसके पहले मुझे अपने हाथ और अपने ट्वीज़र अच्छे से क्लीन कर लेना है, ताकि उसमें येलो वाले रेन लिली के कोई भी पोलन नहीं लगे हों, क्योंकि उसके पोलन भी मुझे सेपरेट करना है येलो वाले रेन लिली के लिए। और दूसरी बात फ्रेंड्स, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कि एक ठो एमरेलिस लिली भी है जो इसी फैमिली का है, तो आप उसके पोलन भी इसमें लगा सकते हैं, उसे भी आपको डिफरेंट वैरायटी मिल सकती है, उसके कलर में, इसके साइज़ में भी वेरिएशन मिलेगा आपको।
आप देख सकते हैं पूरा पोलन से भरा हुआ है, मैं इन सब के ही पोलन हटा दूंगा और अपने कलेक्ट कर लेते हैं इसके निकाल के पोलन्स। फ्रेंड्स देखिए अब मैं ये पिंक वाली जो रेन लिली है इसके पोलन हटाऊंगा। देखिए आप एक चीज ध्यान करिए, इसके पिंक वाली वैरायटी में जो इसका स्टिग्मा है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है और जो येलो वाली रेन लिली है उसका स्टिग्मा बहुत नीचे होता है और पोलन जो है उसके बहुत हाइट में होते हैं, जिसके कारण हल्की हवा चलने पर भी उसके पोलन तुरंत उसके स्टिग्मा में ड्रॉप हो जाते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स येलो वाली रेन लिली जो होती है इस वैरायटी के अंदर में 100% सीड पॉड बनते ही बनते हैं। तो मैं इसी तरह से अब इसके भी धीरे धीरे जो एंथर मैंने देखी फ्रेंड्स ये पिंक वाला जो एंथर है पिंक वाली रेन लिली का मैं येलो वाले फ्लावर के स्टिग्मा में रब कर दे रहा हूँ डायरेक्ट ट्वीजर से ही। ये वाइट कलर का पोर्शन है, ये पूरा का पूरा आपको इसका पाउडर इसमें ड्रॉप कर देना है, पूरा कवर कर देना है बढ़िया से साइड से ऊपर से नीचे से। अब मैं पहले काम करता हूँ पूरा का पूरा पोलन जो है इसका निकाल के अलग कलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि हमें एक साथ क्रॉस पोलिनेशन करने में सावधानी रहेगी। फ्रेंड्स आप ही बहुत ही शांति से और सावधानी से ये काम करिएगा, आप एंथर निकालने के समय भूल से यदि अपना स्टिग्मा ही निकाल देंगे तो सत्यानाश हो जाएगा पूरा प्रोसेस का। तो आप ये इंश्योर करिएगा कि आप कहीं पे स्टिग्मा नहीं उखाड़ दें। धीरे धीरे आप सारे के सारे साइड वाले एंथर को हटाइए। देखिए फ्रेंड्स इन दोनों के एंथर हट गए हैं, सिर्फ दोनों के दोनों मिडिल में स्टिग्मा ही बचा हुआ है। हम इन दोनों के अलग अलग वैरायटी के पोलन लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये पिंक वाली जो है उसके पोलन है, जो येलो वाली रेन लिली में मैं अच्छे से लगा दे रहा हूँ। फ्रेंड्स इसमें वो कंजूसी नहीं करनी है, अच्छे से ये पाउडर पूरा रब कर दीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि आपकी रेन लिली यदि एक दिन ब्लूम करके एक ही दिन में बंद हो जाती है तो आप देखेंगे कि इसका पोलन पूरा एक ही दिन में फर्स्ट डे में ही ड्राई हो जाता है। बट मेरे पास ऐसी वैरायटी भी है जो दो दिन तक ब्लूम होती रहती है तो फर्स्ट डे उसके पोलेंस ड्राई नहीं होते हैं। तो आप इंश्योर आराम से कर लीजिएगा कि आपके पोलन लगाने के पहले ड्राई हुए हुए रहें, उससे ये होगा कि आपको अच्छी क्वांटिटी में पोलन मिलेगा और बहुत आराम से ये प्रोसेस सक्सेस हो पाएगा। देखिए फ्रेंड्स येल्लो वाला स्टिग्मा पूरा येल्लो हो गया है पिंक वाले फ्लावर के पोलन से। अब हम येल्लो वाला फ्लावर से जो पोलन कलेक्ट किए थे ये पिंक वाले फ्लावर के स्टिग्मा में अच्छे से लगा दे रहे हैं। देखिए पोर्शन पूरा कवर कर दे रहे हैं, ये पूरा वाइट था इसे अच्छे से कवर कर दे रहे हैं। फ्रेंड्स आप ये ईयरबड की मदद से भी कर सकते हैं, कुछ लोग जो पेंटिंग ब्रश आती हैं सॉफ्ट ब्रश उससे भी करते हैं। मैं डायरेक्ट ट्वीजर से जो प्लग कर रहा हूँ एंथर मैं डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं ईयरबड से नहीं इसलिए करता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि उसमें ज़्यादा पोलन ईयरबड में ही लग के रह जाता है, वेस्ट हो जाता है। पर उससे ऐसा कुछ नहीं है कि वो सक्सेस नहीं होता, वो भी आराम से सक्सेस होता है प्रोसेस। आपको जिस तरह से भी कंफर्टेबल हो आप उस तरह से पोलन लगा सकते हैं। मेन बात यही है कि आपका पोलन जो है बढ़िया तरीके से उसमें लगना चाहिए। और फिर उसके बाद में ये नहीं है कि अब पोलन लगा दिए हैं लगाने के बाद में अब इसे बारिश में रख देंगे और पूरा पोलन धुल जाए। आपको पोलन लगाने के बाद में या तो इस फ्लावर को टाइट बंद मतलब कवर कर देना है, बंद कर देना है, नहीं तो आप किसी ऐसी जगह में रखें जहाँ पर ये शांति से रह पाए, कोई डैमेज नहीं हो आपके फ्लावर को। उससे इसके जो सीड पॉट बनेंगे वही प्रोसेस जो हम कर रहे हैं इसके सक्सेस होने के रेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए मैंने सबके एंथर हटा दिए हैं और क्रॉस पोलिनेशन अच्छे से कर दिया है, पूरा येलो हो गया इसका बीच का स्टिग्मा। ये मेरे पास एक्स्ट्रा है और मेरे पास पिंक कलर के और नहीं है पोलन, तो इसीलिए मैं इसको यूं ही छोड़ रहा हूँ। फ्रेंड्स इसको एक साल से ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि अभी 10 से 15 दिन लगेंगे इसके सीड पॉट बनने में, उसके बाद में इसके नेक्स्ट ईयर ब्लूमिंग होगी तब हमें पता चला कौन से कलर का ये वैरायटी बनी है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको पसंद आया हो
तो आप हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।